दोस्तों, और आपके पास भी जो है रेडमी का फ़ोन है, रेडमी का मोबाइल है, और आपके मोबाइल में दोस्तों जो है ईयरफोन मोड ऑन हो चुका है। आपके फ़ोन में ईयरफोन का जो सिंबल है वो आ रहा है, आपको ऊपर जो है ईयरफोन का सिंबल दिख रहा है और वो जो है हट नहीं रहा है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 से 4 ऐसे तरीके बताऊँगा जिनसे आप लोग इस ईयरफोन मोड को अपने फ़ोन से इंस्टेंट हटा सकते हो। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तरीके की। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों क्या है कि आपको आपके फ़ोन को सबसे पहले स्विच ऑफ या रीस्टार्ट आपको कर लेना है। आपको आपके फ़ोन को यहाँ से जो है स्विच आप लोग स्विच ऑफ या आपको रीस्टार्ट आपको कर लेना है। जैसे आप लोग स्विच ऑफ या रीस्टार्ट करोगे तो उतने में ही आपकी जो है ये ईयरफोन मोड आपका हट सकता है। तो आप लोग एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या रीस्टार्ट करके एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो उतना कर लोगे तो आपका शायद ये जो है हट जाए। तो बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आप लोग का जो है पहला तरीके से नहीं हट रहा है तो मैं आपको जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ उससे आप लोग इस ईयरफोन मोड को हटा सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है कि आपको आपके फ़ोन को क्या करना है, आपके फ़ोन का जो जैक है जिसमें आप लोग ईयरफोन लगाते हो उस जैक में आपको क्या करना है, एक माचिस की तिली लेनी है, उस पर आपको थोड़ा सा कपड़ा लपेटना है, रुई लपेट सकते हो। उसको लपेटने के बाद उसको आप लोग अच्छे से आपको साफ़ करना है। जैसे आप लोग उसको साफ़ कर दोगे तो उसमें कोई मिट्टी वगैरह गई होगी, कुछ भी कचरा चला गया होगा तो वो जो है हट जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जैक में कभी माटी मिट्टी वगैरह चली जाती है तो उससे क्या होता है कि जैक होता है, जैक का जो सिस्टम है वो समझता है कि उसमें ईयरफोन लगा हुआ है। तो आपको पहले तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। जैसे साफ कर दोगे तो आपका जो है ईयरफोन मोड हट जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं हटता तो तीसरा का काम क्या करना है, आपको जो आपका ईयरफोन है उसको आप लोग को बार बार उसका जैक है उस जो आपका ईयरफोन का जैक है उसमें आप लोग को बार बार ईयरफोन लगा के ऐसे घुमाना है। आपको लोग ऐसे बार बार घुमाओगे लगाओगे तो भी ये जो है हट सकता है। तो आप लोग इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेना। अब बात करते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये नहीं हट रहा है तो मैं आपको जो चौथा तरीका बताने वाला हूँ वो आपको ट्राई करना है। तो वो क्या करना है आपको दोस्तों, आपके मोबाइल की जो सेटिंग्स है उसमें आपको आ जाना है, सेटिंग को आपको ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा एडिशनल सेटिंग्स का, तो इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन दिखा देगा बैकअप एंड रीसेट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा नीचे रीसेट फोन का, तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग और दूसरा रीसेट ऑल सेटिंग, तो आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर आपको क्लिक करके आपकी जो सेटिंग है मोबाइल की जो सेटिंग है वो आपको रीसेट कर लेनी है। रीसेट ऑल सेटिंग पर आपको क्लिक कर दोगे तो ये रीसेट हो जाएगी। जैसे रीसेट होगी तो आपकी जो ईयरफोन मोड है ये जो है हट जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको जितने भी तरीके बताए इनको आप लोग फॉलो करके देखना, किसी ना किसी से तो जो है ईयरफोन मोड ये हट ही जाएगा। तो मैंने 4 तरीके बता दिए इनसे आप लोग जो है इस ईयरफोन मोड को हटा सकते हो। अगर इनके बाद भी नहीं हट रहा दोस्तों तो आपको क्या करना, फिर सर्विस सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा, वहीं से ही जो है सर्विस सेंटर वाले इसको हटा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको जो तरीके बताया उनको फॉलो करना है, एक बार आप लोग करके देखना है, शायद जो है हट जाएगा ये। अगर इतना करने के बाद भी नहीं हट रहा तो फिर आपको दुकान पर जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहीं जाके आपको आपका जैक या तो चेंज होगा या फिर उसको ठीक कर देगा वो। तो इस तरीके से आप लोग इसको हटा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस नहीं, और अगर आपका जैक हटा या फिर नहीं मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों